नमस्कार दोस्तों, हाई स्कूल में 33,916 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, पद हुए सृजित। मैं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सबों के सामने शिक्षक शिक्षा से संबंधित अपडेट लेकर आया हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। हाई स्कूलों में जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी उसका रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य के हाई स्कूलों में 33,900 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इसके लिए पद सृजित को मंजूरी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 32,916 पद और कंप्यूटर विषय में 1,000 पदों की मंजूरी मिली। वर्तमान में बिना हाई स्कूल वाली 2,676 पंचायतों को उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब्दील किया जा चुका है। इनमें से 201 में प्रति विद्यालय मतलब हर एक विद्यालय यानी कि एक विद्यालय में पाँच पाँच माध्यमिक शिक्षक के पद सृजित किए गए। बाकी 2,475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित नहीं है, इसके लिए भी पद सृजन को मंजूरी दी गई है। अब पद सृजन का मतलब क्या होता है? पद सृजित होना इसका मतलब ये होता है कि नए पदों को समावेश करना, यानी कि नए पदों को उसमें जोड़ना। तो दोस्तों, शिक्षकों का जो बहाली का प्रक्रिया था उसका रास्ता साफ हो ही गया है और प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का जो बहाली चल रहा है पहले से, उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद इस पर भी मुहर लग ही जाएगा, नया शेड्यूल आएगा और हो सके तो इलेक्शन का जो डेट है उसमें अगर बदलाव आया, आगे बढ़ा, एक्सटेंड करता है तब तो इलेक्शन से पहले ही बहाली होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर सरकार चाहे तो मई और जून में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा सकता है। तो शिक्षक और शिक्षा से संबंधित और भी नया अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।